हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने मनोरंजन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। एक बार था एक आदमी मलिक अहमद, जिसकी 7 बीवियां थी पर कोई औलाद नहीं। मेरे पास इतनी दौलत है पर कोई औलाद नहीं, क्या फायदा इन पैसों का। उसी समय वहां पर आया एक दरवेश। मलिक ने उसको बहुत सारे भेंट और पैसों का प्रयास किया, पर दरवेश ने कुछ नहीं लिया। मैं कोई लालची आदमी नहीं हूँ और न ही भिखारी, पर हाँ, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए कुछ इंतजाम कर सकता हूँ और बदले में मैं कोई पैसे नहीं लेता। अच्छा, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैंने 7 बीवियों से भी शादी की, पर मुझे किसी से भी कोई बच्चा नहीं मिला, मुझे एक बेटा चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा, पर तुम्हें जो भी बच्चे मिलेंगे उसके बाद आधे तुम्हारे और आधे मेरे होंगे। मलिक ने दरवेश की शर्त मान ली, पर मन ही मन उसने सोचा कि जब वक्त आएगा तो वह उसको धन दौलत देकर वापस भेज देगा। कागज पर इनकी ये शर्तें लिखकर दोनों ने अपने अपने दस्तखत दे दिए। दरवेश ने फिर अपनी जेब से एक अनार निकाला और बोला, ये अपनी सबसे छोटी बीवी को खिला दो। मलिक ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी बीवी गर्भवती हो गई। 9 महीनों बाद उसने 2 सेहतमंद जुड़वा बेटों को जन्म दिया। लड़के अच्छे से बड़े हो गए और 18 वर्ष तक उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। पर एक दिन अचानक से दरवेश उनके घर आया, हाथ में दस्तावेज लिए सलाम किया। मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ, तुम्हें जो भी दौलत या मेरी कोई भी संपत्ति चाहिए तो तुम ले सकते हो, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। मलिक ने उससे बहस की पर दरवेश ने नहीं माना। अंत में बड़े बेटे ने कहा, मैं इनके साथ जाऊंगा। उसी समय छोटे ने बोला, अरे नहीं, मैं जाऊंगा। पर अंत में बड़ा बेटा गया और जाने से पहले उसने अपनी अंगूठी छोटे को दी, ये बोलते हुए कि भाई, जब भी ये अंगूठी तुम्हारी उंगली से ढीली होकर गिर जाएगी, ये समझना कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, ख्याल रखना। ठीक है भाई। बड़ा बेटा दरवेश के साथ चल निकला और उसके जाने पर परिवार रो पड़ा। अब दरवेश और बड़ा भाई अपने रास्ते चल रहे थे, जब दोनों एक झील के पास आ पहुंचे। बड़ा भाई दरवेश के थोड़ा पीछे चल रहा था, जब उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क पर देखा। जवान लड़के, तुम उस आदमी के साथ क्यों चल रहे हो? क्या तुम इस जिंदगी से तंग आ चुके? उसने मेरे बाप से कोई समझौता किया है, मैं क्या करूं? अब मैं इसका हूँ, मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता दिखाओ। ध्यान से सुनो फिर। जी ठीक। जब तुम लोग उस झील तक पहुंचोगे, तब वो तुमसे बोलेगा कि मेरे बेटे नीचे झुक जाओ और इस झील से पानी पी लो, और जब तुम झुकोगे वो अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट देगा। उसके बाद वो तुम्हारे ही घोड़े पर चढ़ेगा और पानी में कूद जाएगा, घोड़ा और वो खुद सोने में बदल जाएंगे। अब जब तुम लोग झील तक पहुंचोगे और वो तुमसे अच्छे से बोलेगा पानी पीने के लिए, तो तुम उनको बोलना कि ओ नहीं, अब आप मेरे अब्बू हैं और मैं आपका बेटा, पहले आप फिर मैं पीऊंगा। और जब वो झुकेगा पानी पीने के लिए, तो तुम्हें उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी। लड़के, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया और बड़ा भाई दरवेश के पीछे गया। बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बस घोड़े की पट्टियों को कस के बांध रहा था। बेटे, अब थोड़ा पानी पी लो यहाँ से। अरे नहीं, मैं कैसे? आपको इज्जत देनी चाहिए मुझे, आप बड़े हो और अब मेरे अब्बू हो, तो पहले आप। दरवेश की बहुत कोशिश के बाद भी बड़े भाई ने पहले पानी पीने से मना कर दिया। अंत में दरवेश ने जाने दिया और सोचा, चलो
अब वैसे भी इस लड़के को कुछ नहीं पता, पहले मैं ही पी लेता हूँ फिर ये पिएगा। तो दरावेश नीचे झुका पानी पीने के लिए। उसी समय बड़े बेटे ने मौका देखा और अपनी तलवार से दरावेश की गर्दन काट दी। जल्दी से लड़का अपने घोड़े पर चढ़ गया और पानी में कूद गया झील के उस पार जाने के लिए। तुरंत लड़का और उसका घोड़ा दोनों सोने में बदल गए। बड़ा बेटा चलता रहा जब वह एक पहाड़ के पास आ पहुंचा, जहां पर बहुत बर्फ हो रही थी। आंधी में लड़का फंस गया। पहाड़ के उस पार था एक बड़ा सा गांव। लोगों ने देखा कि कोई आदमी और उसका घोड़ा आंधी में फंसे हुए थे, तो जल्द ही कुछ लोग जमा हो गए उसकी मदद करने के लिए। फिर उसको कड़खुदा के घर ले गए, जो गांव का प्रधान था। तो सबों ने देखा कि वह एक लाजवाब जवान लड़का था, पूरा सोने का बना हुआ था। बड़ा बेटा बहुत दिनों तक उसी गांव में ठहरा। एक दिन मुखिया साहब ने कहा, लड़के मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है, अगर तुम चाहो तो मैं निकाह में उसका हाथ तुम्हें दे सकता हूँ, ये सारी धन दौलत भी तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, मैं शादी करूँगा। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। एक दिन, मैं थोड़ा ऊब गया हूँ अबू, मुझे कुछ आदमी दे दो फिर मैं शिकार करने जाऊँगा। क्यों नहीं? मुखिया ने अपने दामाद के लिए कुछ लोगों का बंदोबस्त किया और फिर वह शिकार के लिए निकल पड़ा। जल्द उनको एक सुंदर हिरन मिला। मलिक उसका पीछा करते करते एक गुफा के पास आ पहुंचा। हिरन गुफा में घुस गया और मलिक उसके पीछे। मलिक के साथी उसका इंतजार करते रहे पर वो बाहर निकला ही नहीं और अंत में गांव वापस चले गए। जब कड़खुदा ने देखा कि मलिक वापस नहीं आया तो वो बहुत मायूस हो गया। अब जब मलिक उस गुफा में घुसा तो उसको तार वाले बाजे, ढोल और गाने की आवाजें सुनाई दी। आवाज का पीछा करते करते वह एक जगह पहुंचा जहां पर उसने एक खूबसूरत लड़की को बैठे हुए देखा। आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। दोनों बातें करने लगे। आपने उस हिरन के साथ क्या किया? मुझे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो इस गुफा में आया था पर पता नहीं कहां गया। ओ सुनहरे लड़के, मैं ही वो हिरन हूँ। अब मेरा एक रिवाज है, जो भी इस गुफा में आता है मैं उसके साथ कुश्ती लड़ती हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बन जाऊंगी, अगर मैं जीत गई तो तुम मेरे गुलाम। मेरे पास बहुत सारे गुलाम हैं, बाकियों के साथ तुम्हें भी डाल दूंगी। अच्छा ठीक है। दोनों ने लड़ाई शुरू की और लड़की ने उसको ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। लड़की ने फिर उसको बाकी गुलामों के साथ सलाखों के पीछे डाल दिया। इसी दौरान अचानक से मलिक के छोटे भाई की उंगली से अंगूठी ढीली होकर गिर गई। या अल्लाह, मेरा भाई मुसीबत में है। जल्द वह अपने अम्मी अब्बा के पास गया। मैं अपने भैया को ढूंढने जा रहा हूँ। छोटा भाई सुल्तान चढ़ा अपने घोड़े पर और अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलता रहा जब वो उस झील के पास आ पहुंचा जहाँ पर उसने उस बूढ़े आदमी को देखा। ओ सुल्तान मोहम्मद, क्या तुम अपने बड़े भाई को ढूंढ रहे हो? हाँ, इसको कैसे पता? ये मेरे भाई को जानता होगा, भैया ने इसको मेरा नाम बोला होगा। जी हाँ, तुम्हारा भाई को बंदी बना लिया गया है। उसने एक औरत के साथ कुश्ती की लड़ाई की जिसमें वो हार गया। अब वो उस औरत का गुलाम बन गया है। अब तुम इस झील को पार करो और तुम भी उसी की तरह सोने में बदल जाओगे। फिर तुम्हें एक गुफा के पास जाना है। जब अंदर जाओगे तो वो औरत तुमसे भी लड़ाई करने को बोलेगी। मैं जैसा बोलता हूँ तुम्हें वैसे ही उसको पकड़ना होगा और जमीन पर फेंकना होगा। अगर तुम इसी तरह पकड़ोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगी। जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। छोटे ने झील पर देखा, उसने इस झील को पार किया तो वो भी बिल्कुल अपने भाई की तरह सोने में बदल गया। छोटा भाई भी उसी पहाड़ के बर्फ में फंस गया। गांव के लोगों ने फिर से देखा कि कोई बर्फ में फंस गया है।
लोग जमा हुए और उसको बचाने के लिए गए। मेरे बेटे, तुम पहाड़ की ओर गए क्यों और इतने दिनों से थे कहाँ? मैं बस कहीं गया था। सुल्तान ने ऐसा कहा क्योंकि उसे समझ आ गया कि सब लोग शायद उसको उसका बड़ा भाई समझ रहे थे। फिर एक खूबसूरत लड़की आई और उससे बातें करने लगी। कुछ दिनों बाद सुल्तान मुखिया के पास गया और बोला, अबाजान, मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। बेटा, मुझे डर है कि तुम पिछली बार की तरह वापस नहीं आओगे। अरे नहीं, मैं जरूर आऊंगा, आप फिक्र ना करें। कुछ आदमी गए सुल्तान के साथ और पिछली बार की तरह वही हिरन आगे आई। सुल्तान ने हिरन का पीछा किया और गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर उसको गाने की आवाजें सुनाई दी और अंदर उसने वही खूबसूरत औरत को देखा। आइए, तशरीफ लाइए। ओ सुनहरे लड़के, एक चुनौती है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी, और यहाँ तुम्हारी तरह ही एक सुनहरा लड़का है, तुम उसको भी ले जा सकते हो। और तुम हार गए तो मैं तुमको भी अपना गुलाम बना लूंगी, ठीक है? और दोनों लड़ाई करना शुरू कर दिए। सुल्तान एक पैर आगे किया और लड़की को जमीन पर पटक दिया। मेरे हाथ मत बांधो, अब मैं तुम्हारी हो चुकी। जब तक तुम मुझे मेरे भाई को नहीं दिखाओगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ, वो बोतल ले आओ और अपने भाई के नाक के पास रख दो, जब तक वो होश में ना आ जाए। सुल्तान गया और अपने भाई को जगाया। वहां से निकलने के बाद दोनों ने जश्न मनाया और आराम से, शांति से बस गए।